नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ है और इसी के साथ हिंदू नव संवत्सर वर्ष भी प्रारंभ हो चुका है। जबलपुर के ग्वारी घाट में यहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जबलपुर में ग्वारी घाट के अतिरिक्त और किन जगहों पर किया जा रहा है, आइए जानकारी लेने की हम कोशिश करते हैं। जो स्वास्थ्य शिविर लगाया जा रहा है, तो ये सिर्फ ग्वारी घाट में लगाया जा रहा है, ग्वारी घाट के अलावा भी जबलपुर की अन्य जगहों पर? नहीं, अन्य जगहों पे भी है। मतलब सुविधा दी गई फ्री सेवाओं की, जिसमें लोगों को सही उपचार मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके। और कौन कौन से रोगों के लिए बेसिक यहाँ पर अभी टेस्ट मौजूद है? अभी पे यहाँ पे बीपी, पल्स और शुगर, यही सब टेस्ट हो रहे हैं। और दवाइयाँ निःशुल्क मिली जा रही हैं, दवाइयाँ यहाँ पे निःशुल्क दी जा रही हैं। तो यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं में टेस्ट के साथ साथ जो दवाइयाँ भी निःशुल्क वितरित की जा रही हैं, अब तक लगभग कितने मरीजों को आप लोग के द्वारा आज देखा जा रहा है? जय जय श्री राम। हम लाइव मेडिसिटी हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोगों ने सुबह 10 बजे से लेकर अभी तक हम लोगों ने 180-90 मरीज देख चुके हैं, जिनको हमने दवाइयाँ दी हैं। बीपी, शुगर, ईसीजी और ब्लड प्रेशर निःशुल्क किया गया है। इसमें से भी जिन लोगों को कुछ हृदय गति की परेशानियाँ निकली है, हृदय की बीमारियाँ निकली हैं जिनको, उनको हमने हॉस्पिटल बुलाया गया है कि वो हमारे हॉस्पिटल आएंगे और उनको कम से कम चार्जेस में हम उनका, जिनको एंजियोग्राफी के लिए है तो उनको कम से कम में एंजियोग्राफी करेंगे, और जिनके एक्सरे वगैरह हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह हैं, उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हो सकेगी हम देंगे। मरीज से बात करते हैं हम, आप कहाँ से हैं? यही ग्वारी घाट से। तो यहाँ पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जैसे लगाया गया है, तो किन किन चीज़ों की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, आपको जानकारी है क्या? नहीं, अभी तो मेरे को नहीं है। अभी आपने क्या टेस्ट कराए हैं? शुगर, बीपी चेक हुआ है? नहीं, अभी नहीं हुआ है। मेरे को फंगल है, तो मैं वही सोच रही थी कि फंगल का थोड़ा जांच करवाना रहा। तो आप चेक करा चुके हैं यहाँ पर? हाँ जी, चेक तो दवाई दे ही ना। दवाई भी मिली आप? हाँ, सारी चीजें निःशुल्क यहाँ पर उपलब्ध हो रही है, पैसे नहीं लिए जा रहे हैं? नहीं जी। हाँ, बस यही हम पूछना चाह रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं लिए। और इसके अलावा यहाँ जैसे ग्वारी घाट में आज शिविर लगाया गया है, इसके अतिरिक्त जबलपुर के अन्य जगहों पर भी ये लगातार? हम लोग लगभग लगातार क्या होता, कई जगहें सेवा देते हैं, जैसे पूरा टोटल निःशुल्क की सेवाएं देते हैं हम लोग। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम लोग ने सैपुरा तरफ से सेवाएं दी थी, टोटल निःशुल्क था, दवाइयाँ, ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर और कुछ ब्लड टेस्ट थे जो निःशुल्क किए गए हैं, जैसे थायराइड हो गया, लिपिड हो गया, ये हम लोग ने निःशुल्क किया है। और यहाँ भी शिविरों में जो गंभीर रोगी मिलते हैं, तो उनको भी कम से कम इलाज की सुविधा है, इलाज, अच्छा इलाज देने की, और कम से कम रियायती दरों पर हम लोग सेवाएँ उपलब्ध कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी भी प्रकार के आईडी कार्ड या फिर किसी प्रकार की पहचान पत्र की भी आवश्यकता है, या फिर कोई भी आकर के कहीं का भी व्यक्ति इलाज करवा सकता है? मरीज कोई भी कहीं से भी आ सकता है और इलाज करा सकता है। जो हम लोगों से सेवाएं होती है, हम लोग उनको सेवाएं देते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रियायत हो सकती है हम उनको रियायत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से जबलपुर वासियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन जबलपुर के ग्वारी घाट सहित अन्य क्षेत्रों में भी अनवरत लगाए जा रहे हैं। आप लोग भी जानकारी के अनुरूप यहाँ आ करके स्वास्थ्य शिविर का लाभ ले सकते हैं और निःशुल्क सामान्य जाँचें करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको कोई गंभीर बीमारी होती है, तो इस स्थिति में आपको रियायती दाम पर इलाज करने की सुविधा भी यहाँ से मुहैया करवाई जाती है। ये सब मेडिसिन अपन जो प्रोवाइड करते हैं, फीवर की हो गई, मतलब जितना हम यहाँ पर उपलब्ध करा सकते हैं सामान्य तौर पर, उतना आप लोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।